रामचरण ने कैसे की अपने करियर की शुरुआत? क्या रामचरण ने सलमान को आई लव यू कहा? सलमान का क्या था रिएक्शन? हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है बॉलीग्राड स्टूडियोज में। दोस्तों, अगर आज हम टॉप तेलुगु एक्टर्स की बात करें तो रामचरण को कैसे भूल सकते हैं। रामचरण टॉलीवुड के टॉप मेगा स्टार्स में से काउंट होते हैं। उनका फैन बेस इतना ज्यादा ह्यूज है कि आपको क्या ही बताया जाए। क्या आपको पता है कि उनका पूरा नाम कोनिडेला रामचरण तेजा है? सार फैमिली से बिलोंग करने वाले रामचरण हमेशा से ही फिल्मों में आना चाहते थे। रामचरण बचपन से ही अपने पिता चिरंजीवी की मूवी को देखकर बड़े हुए हैं। ये तेलुगु के हाईएस्ट पेड एक्टर्स में से एक हैं। वो तेलुगु लैंग्वेजेस फिल्म में एक एक्टर, प्रोड्यूसर और साथ ही साथ एक एंटरप्रेन्योर है। रामचरण की डेडिकेशन और सक्सेस को देखकर ये कहा जा सकता है कि भले ही उनके रूट्स एक फिल्म फैमिली के साथ हैं, लेकिन वो आज जिस पोजीशन, जिस मोड पर खड़े हैं, वो सिर्फ और सिर्फ उनके मेहनत की वजह से है। साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि अपने एक्टिंग स्किल्स को निखारने के लिए रामचरण ने किशोर नमित कपूर के फेमस और पॉपुलर एक्टिंग स्कूल में एडमिशन भी लिया था। दोस्तों, ये वही बॉलीवुड स्कूल था जहां से ऋतिक रोशन, करीना कपूर खान और प्रियंका चोपड़ा जोनस, अर्जुन कपूर और वरुण धवन जैसे कई स्टार्स भी गए हैं। रामचरण की बात करें तो उन्होंने फिल्म जोधा से अपनी फिल्मी करियर की शुरुआत की। हालांकि ये फिल्म सिल्वर स्क्रीन पर धमाल नहीं कर पाई, लेकिन इस फिल्म में तेजा का रोल जो सभी ने पसंद किया और उन्हें साल 2007 में इसके लिए फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला। इसके बाद रामचरण ने मगधीरा, येवडू और रंगस्थलम जैसे कई सुपरहिट फिल्में दी। दोस्तों, ये बात शायद कम ही लोगों को पता है कि रामचरण एक एक्टर के अलावा एक बिजनेसमैन भी है। रामचरण हैदराबाद पोलो एंड राइडिंग क्लब और ट्रू जेट नाम की एक एयरलाइंस के भी मालिक है। इसके अलावा रामचरण डेविल सर्किट और साथ ही साथ कोनिडेला प्रोडक्शंस के भी ओनर है। और सोर्सेज की बात करें तो रामचरण करीब 185 मिलियन डॉलर्स के मालिक है। लेकिन क्या आपको पता है कि एक वक्त ऐसा भी था जब रामचरण को बॉलीवुड से रिजेक्शन झेलना पड़ा था? और यही नहीं, चिरंजीवी के बेटे होने के बावजूद भी टॉलीवुड की दुनिया भी इनके लिए आसान नहीं थी। तो क्या ट्रिपल आर के बाद आप भी रामचरण के फैन बन गए हो? Am I right? उनका डांस नाचो नाचो इतना हिट हुआ कि हर कोई उनके डांस मूव्स का फैन हो गया। ये सॉन्ग YouTube पर भी काफी ट्रेंड कर रहा है। दोस्तों, इस सॉन्ग ने विद इन डेज 67.9 मिलियन व्यूज कमा लिए थे। है ना गजब की बात। रामचरण ने एक इंटरव्यू में भी बताया था कि वो सलमान खान को भी काफी पसंद करते हैं। उन्होंने ये भी बताया कि एक बार उन्होंने अपनी किसी पार्टी में सलमान खान को इनवाइट किया था और सलमान कुछ घंटों के लिए उनकी पार्टी में शामिल हुए। ये देखकर रामचरण काफी खुश हुए थे और उन्होंने पार्टी में आने के लिए सलमान को आई लव यू कहा। Isn't it funny? रामचरण ने आगे बताया कि वो सलमान के मुंह से आई लव यू 2 सुनना चाहते थे, लेकिन दोस्तों सलमान तो सलमान थे और उन्होंने आई लव यू डैड राम कहा था। बता दें, ऐसा सुनने में आया है कि फिल्म आचार्य के राइट्स काफी भारी मात्रा में बेचे गए हैं। उन्होंने बताया कि हिंदी फिल्म प्रोड्यूसर जयंती लाल ने इन राइट्स को खरीद लिया है। एक खबर की माने तो फिल्म की डबल राइट सेल करने का ट्रेंड 2011 में तेलुगु फिल्म के साथ अल्लू अर्जुन और नागार्जुन फिल्म्स के दौरान शुरू किया था। वहीं उन्होंने ये भी बताया कि 2011 में अर्जुन फिल्म्स के डबिंग राइट्स 10 लाख में बिके थे और पिछले साल 2021 की बात करें तो वो 21 करोड़ में बिके हैं। काफी अच्छा डिफरेंस देखा जा सकता है दोनों के बीच और इससे पता चलता है कि फिल्म की ग्रोइंग डिमांड कितनी बढ़ गई। वही फिल्म के एक पोस्टर ने फैंस के दिलों में आग लगा डाली है। पोस्टर में रामचरण एक रोमांटिक पोज में पूजा हेगड़े के साथ नजर आए हैं। इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर करीब 216 करोड़ का प्रॉफिट अर्न किया है और साथ ही साथ नेशनल फिल्म अवार्ड फॉर बेस्ट ऑडियोग्राफी का अवार्ड भी हासिल किया है। उम्मीद करते हैं कि दैट यू विल डेफिनेटली लाइक दिस फिल्म। इसी के साथ अपने व्यूज हमारे साथ कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें और देखते रहिए हमारा चैनल पॉलीग्राड स्टूडियोज़।